अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9, शब्द प्रक्रियक नो परिचय, उसका पार्ट 1। ओके, तो शब्द प्रक्रिया क्या होता है? जैसे हम लोग हमारे कोई राइटिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ओके, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, तो वो कैसे बनाएंगे, उसका यूज क्या है, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो सब देखेंगे आज के जो चैप्टर स्टार्ट किया है हमने आज से, वो चैप्टर के अंदर। ओके, तो हम लोग जो शब्द प्रक्रियक जो सॉफ्टवेयर होगा हमारा, वो होगा हमारा ओपन ऑफिस का राइटर। ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड होता है, वैसे ही ओपन ऑफिस भी एक कंपनी है जिनका सॉफ्टवेयर है राइटर। ओके, WRITER, राइटर सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करके प्रैक्टिकल करेंगे हमारा। तो पहले बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, प्रस्तावना है, वो देखेंगे। मित्रों, आप पूर्व अपने ये शिक्षा के छेल्ला 2 दायका थी विविध क्षेत्र अनेक विविध कार्यों माटे कंप्यूटर नो उपयोग थई रही है। क्या लिखा है अभी तक जो चैप्टर हमने देखे, उसमें देखे कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कामों के अंदर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ऑफिस ने कामगिरी माटे कंप्यूटर नो उपयोग सर्वसामान्य है। क्या लिखा है? ऑफिस की लाइन में या एजुकेशन की लाइन में क्या हो रहा है, कंप्यूटर का जो यूज है वो नॉर्मल यूज सभी जगह पे हो रहा है। अभी मोटा भागनी ऑफिस में सामान्य रीते थती कामगिरियों में माहिती प्रक्रिया एटले के डेटा प्रोसेसिंग, कौन से काम होते हैं कंप्यूटर में, तो डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद शब्द प्रक्रिया एटले के वर्ड प्रोसेसिंग, संदेशा व्यवहार मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अने प्रेजेंटेशन रजूआत की कामगिरी थती जोवा मळे छे। प्रेजेंटेशन मतलब आपका कोई कंसेप्ट है, आपका कोई आइडिया है, उसको किसी को एक्सप्लेन करना है, तो आप उसकी पीपीटी फाइल बनाओगे, प्रेजेंटेशन फाइल, और उसके जरिए क्या करोगे, अपना जो आइडिया है वो रिप्रेजेंट करोगे किसी सामने वाले पर्सन को। અને આ બધી કામગીરીઓને અસરકારક અને સચોટ રીતે પાર પાડવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। ક્યાં લખ્યા હે? વર્ડ પ્રોસેસિંગ હો, કમ્યુનિકેશન હો, યા ડેટા પ્રોસેસિંગ હો, યા પીપીટી ફાઇલ હો, સબકો ક્યા કરતા હૈ હમ લોગ, વો સબકા યુઝ કર, સબકો રિપ્રેઝન્ટ કરને કે લિયે હમ લોગ કોમ્પ્યુટર કા યુઝ કરતે હૈ। હવે આપણે એ જાણીએ છીએ કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા આવી કામગીરી કરવા માટે બજારમાં જુદા જુદા સોફ્ટવેર મળે છે। ક્યાં લખ્યા હે? ये सब काम करने के लिए आपको वर्ड की कोई फाइल बनानी है, या पीपीटी फाइल बनानी है, या कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। आप मार्केट के अंदर छेल्ला घना वर्षों की प्रक्रिया रजूआत विस्तार पत्रक एट्ले कि एक्सेल शीट वगैरह जेवा केरीना कार्यों ने पार पाड़वा माटे माइक्रोसॉफ्ट कंपनीए बनावेल एमएस ऑफिस, जिसको कहते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर नो उपयोग थाय छे। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एमएस ऑफिस, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। एमएस वर्ड मिलेगा, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट। ओके, तो ये सबका आप अलग अलग तरह से अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ओके, ये सब क्या है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स तरीके पर तद्दन आवाज सॉफ्टवेयर हवे उपलब्ध है। स्टार ऑफिस, लिब्रो ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये आ प्रकार के सॉफ्टवेयर है। क्या लिखा है? एमएस ऑफिस के जैसे दूसरे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन से है वो? तो स्टार ऑफिस, लिब्रो ऑफिस, ओपन ऑफिस वगैरह। આ પ્રકરણમાં આપણે ઓપન ઓફિસના એક ઘટક એવા રાઇટર તરીકે ઓળખાતા સોફ્ટવેર દ્વારા શબ્દ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થઈ શકે તે શીખીશું। ક્યાં લખ્યા? હમણાં ઇસ ચેપ્ટરમાં ક્યાં કરેંગે? ઓપન ઓફિસ કા જો રાઇટર સોફ્ટવેર હૈ ઉસકે જરિયે વર્ડ પ્રોસેસિંગ મતલબ શબ્દ પ્રક્રિયા કેસે કી જાતી હૈ ઉસકે બારેમાં હમલોગ ઇસ ચેપ્ટરમાં દેખેંગે। તો શબ્દ પ્રક્રિયા અને શબ્દ પ્રક્રિયક ક્યાં લખ્યા હૈ? દો અલગ અલગ ચીજે, એક તો વર્ડ, એક હોતા હૈ વર્ડ પ્રોસેસિંગ, દૂસરા હોતા હૈ વર્ડ પ્રોસેસર। આપણે દસ્તાવેજ એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ શબ્દથી પરિચિત છીએ। માહિતી લખેલો કાગળ એટલે દસ્તાવેજ। ક્યાં લખ્યા હે? કોઈ ભી ઇન્ફોર્મેશન કિસી કાગજ પર લખી હોય તો વો ક્યા હે? હમારે લિયે એક ડોક્યુમેન્ટ હૈ, એક દસ્તાવેજ હૈ। આપણા રોજિંદા જીવનમાં જુદા જુદા ઉપયોગ માટે આપણે દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આગળ કાગળ ઉપર લખવાનો ઉદ્દેશ કદાચ આપણા વિચારોને બીજા સમક્ષ રજૂ કરવા માટે, કે પછી માહિતીને લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખવા માટે અને તેને પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવા માટે હોઈ શકે। ક્યાં લખ્યા હે? कागज के ऊपर कोई भी चीज को लिखना, उसका मकसद क्या होता है हमारा, या तो उस इंफॉर्मेशन को, उस माहिती को किसी और को समझाने के लिए, या तो फिर उस इंफॉर्मेशन को, उस मालूमात को हमको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर से मतलब सेव करने के लिए, या तो फिर पुरावा तरीके एक एज अ प्रूफ हम लोग उसका यूज करते हैं। ओके, कागज पर लिखने का मकसद ये होता है हमारा। पत्र अहवाल, पत्र मतलब लेटर, अहवाल मतलब रिपोर्ट, निबंध, हस्तप्रत, कामदाना पत्रों, पुस्तकों वगैरह विविध स्वरूप में रहेला दस्तावेजों छे। क्या लिखा है? ये सब भी क्या है? दस्तावेज के टाइप ही है, चाहे हमारी बुक हो या तो फिर हमारा कोई निबंध लिखा हुआ हो या कोई रिपोर्ट हो, वो सब क्या है? एक दस्तावेज है। धारो के तुम्हारे आमानो कोई दस्तावेज बनावो छे,
लीजिए आपको कोई दस्तावेज बनाना है, बट क्या अपना पर तुम्हारा हस्ताक्षर एटला खराब है, क्या लिखा आपके हैंडराइटिंग इतने खराब है कि दवाने दुकान वाले एटले के फार्मासिस्ट पण वाँची न सके, क्या लिखा डॉक्टर को भी पढ़ने में नहीं आएगा, ऐसे खराब आपके अक्षर है। अथवा तमे निवडेला लेखक न हो एटले के तमारे लखेलू सुधारीने फरी लखवू पड़त हो तो तमारा माटे शब्द प्रक्रिया करतु शब्द प्रक्रिया सॉफ्टवेयर उपयोगी है, क्या लिखा आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है या आपको लिखने के ऐसा मतलब आवड़त नहीं है आपके पास के आपको क्या करना पड़े, आपको बार बार उसमें करेक्शन करना पड़े, ठीक ठाक होने की अगर आपको डाउट है उसके अंदर तो आप क्या करोगे, शब्द प्रक्रिया यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करोगे। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ओपन ऑफिस राइटर का भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, MS वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो शब्द प्रक्रिया के लिए यूज होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ओके, शब्द प्रक्रिया यानी जरूर मतलब शब्द प्रक्रिया की हमको जरूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है इसकी हमको, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो पिछले टाइम में हमको फेस करनी पड़ी थी तो वो देखेंगे अभी कि 18वीं सदी में कागज ऊपर अक्षरों छापवा माटे टाइप राइटर मशीन शोधायु, क्या लिखा है 18वीं सदी के अंदर क्या हुआ था, कागज के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए आपको टाइप राइटर मशीन का यूज करना था, तो वो मशीन कब डेवलप हुआ था 18वीं सदी में, आ एक मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रो मैकेनिकल साधन हतु जेमा जुदा जुदा अक्षर दर्शावती कड़ आपवामां आवती हती, આમાંના કોઈ પણ કળ દબાવતા તે મશીનમાં ભરેલા કાગળ પર તે કળ શું અક્ષર છાપ પડતું હતું, ક્યાં લિખા ઉસમે ક્યાં અલગ અલગ કળ હોતી થી અલગ અલગ ઉસમે બટન્સ હોતે થે, તો આપ કોઈ ભી બટન પ્રેસ કરોગે ઉસપે તો ઉસકી જો નિશાન હોગી વો નિશાન ક્યાં હોગી અંદર ફિટ કિયે હુએ કાગજ કે ઉપર વો પ્રિન્ટ હો જાયેગી। જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ ટાઈપ રાઇટિંગ મશીનના ઉપયોગ નીચે મુજબ કેટલીક મર્યાદાઓ ધ્યાનમાં આવી। अब जैसे जैसे टाइप राइटर का यूज होते गया वैसे वैसे उसमें कुछ लिमिटेशंस कुछ उसके नुकसान सामने आए। ओके, कुछ मर्यादा उसके सामने आई, तो वो कौन सी है, तो सबसे पहला है दस्तावेज में टाइपिंग ने कोई भूल जणाती त्यारे लगभग आखू पानू फरी टाइप करवू पड़त, क्या लिखा है आप टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई आपसे तो क्या करना पड़ेगा आपको वहां पे करेक्शन का, आपको ऐसे बैक स्पेस का जो ऑप्शन होता है हमारे कीबोर्ड पर वैसा ऑप्शन वहां पे टाइप राइटर में नहीं था, तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, फिर आपको सपोज आपने 20 लाइन का एक एक पेज लिखा हो के और आपकी 20 लाइन यानी कि सबसे लास्ट वाली लाइन पे कोई आपकी मिस्टेक हो गई है, अब वो मिस्टेक करेक्शन के लिए आपको कुछ करना नहीं, आपको पूरा पेज जो है फिर से टाइप करना है। हम यहाँ बैक स्पेस का या ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते थे टाइप राइटर में, आपको पूरा पेज क्या होता था वापिस से टाइप करना होता था। ज्यादा अपने वधारे 5-7 नकल ની જરૂર હોય તો તેવા સંજોગોમાં એનું એ જ લખાણ આપણે અનેક વાર ટાઈપ કરવું પડતું હતું, ક્યાં લિખાય આપકો કોઈ એક ચીજ એક પેરેગ્રાફ હે આપકો 5-7 બાર અલગ અલગ ટાઈપ અલગ અલગ જગ્યા પે ઉસકો રખના હે અલગ અલગ લિખના હે તો આપકો ક્યા કરના હોતા થા ઉસમે 5-7 મરતબા જિતની ભી બાર આપકો જરૂરત હે ઉસકી ઉસકે હિસાબ સે આપકો ટાઈપ કરના હોતા થા। વો જૈસે હમારે કીબોર્ડ પે કોપી ઓર પેસ્ટ કા ઓપ્શન હે તો વૈસા ટાઈપ રાઇટર મે કોપી ઓર પેસ્ટ કા ઓપ્શન નહીં થા, આપકો 5 બાર અગર वो पैराग्राफ कहीं पे लिखा हुआ चाहिए तो आपको 5 बार उसको कीबोर्ड अपने टाइप राइटर से टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी एक लिमिटेशन थी। उसके बाद जो NIH दस्तावेज में थोड़ा घना फेरफार था नवो दस्तावेज छापो है तो आपको दस्तावेज फरी से टाइप करवो पड़े, क्या लिखा है आपको कुछ चेंजेस के साथ कुछ अलग पेज पर कुछ अलग प्रिंट आउट निकालने अगर, तो उसके लिए भी आपको पूरा पैराग्राफ साथ में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जे आपने सरनामा में फेरफार साथ एक के बे બે કે ત્રણ વ્યક્તિને એક જ પત્ર મોકલવો હોય તો આપણે 2 વાર ટાઈપ કરવો પડે, ક્યાં લિખા હે આપણે એક લેટર ટાઈપ કિયા આપકો દો અલગ અલગ જગહો પે અલગ અલગ પર્સન કો ભેજના હે। ઓકે, તો આપ ક્યા કરોગે સીધા MS વર્ડ મે ક્યા કરતે હમ લોગ કે ઉસ લેટર મે જો એડ્રેસ હે ઉસકો ચેન્જ કરકે હમ દૂસરા એડ્રેસ યા દૂસરા નામ ડાલ દેંગે, બટ ટાઈપ રાઇટર મે એસા ટાઈપ રાઇટર મે ક્યા કરના હે આપકો પૂરા કા પૂરા લેટર દોબારા સે ટાઈપ કરના હે દૂસરે પર્સન કે લિયે દૂસરે વ્યક્તિ કે લિયે। અને કેટલીક વાર એવું પણ બને કે દસ્તાવેજમાં આપણે જરૂર મુજબના ખાસ ચિહ્નો કે અક્ષરો ટાઈપ રાઇટિંગ મશીનમાં ન પણ હોય, ક્યાં લિખાય કોઈ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ હે અગર, ઓકે જૈસે એટ ધ રેટ કી સાઇન હે, હેશ કી સાઇન હે ઓર પર્સન્ટેજ કી સાઇન હે, વો સિમ્બોલ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ જો હોતે વો આપકે ટાઈપ રાઇટર મે નહીં થે। ઓકે, અબ ટાઈપ રાઇટર મે નહીં હે તો ઉસકે લિયે હમકો ક્યા કરના હોતા થા, તો આવા સંજોગોમાં આવા ખાસ ચિત્ર માટે કાં તો આપણે ભળતો કોઈ પ્રકાર ટાઈપ કરવો પડે, ક્યાં લિખાય મતલબ ઉસકી જગહ પે કોઈ ઓર લેટર આપકો ટાઈપ કરના હોગા। ओके, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ताज्जुबी निशान, अगर वो आपके कीबोर्ड में नहीं तो उसकी जगह आपको आई का सिंबल रखना पड़ेगा। ओके, तो मतलब ताज्जुबी निशान और आई में बहुत डिफरेंस है, मतलब है सिमिलर देखने में बट डिफरेंस है कहीं ना कहीं पे, तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जगह खाली छोड़नी पड़ेगी उसकी उतनी, और आपको पेन से वो चीज़ वहां पे लिखनी होगी, जब प्रिंट आउट निकल जाएगी उसकी तो
उसके बाद आपको पेन से वो चीज़ वहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। और तो वही लिखा है यहाँ पे कि आपने भरतो कोई भी प्रकार टाइप करवो पड़े अथवा तो ते माटे जगह खाली छोड़ी ने पच्ची थी पेन थी लखवो पड़े। क्या लिखा, उतनी स्पेस आपको छोड़ देनी है वहाँ पे, उतनी जगह छोड़ देनी है। उसके बाद आपको वो प्रिंट निकलने के बाद बाहर से आपको उस पर निशान करना पड़ेगा अपनी पेन से या पेंसिल से। ओके, तो ये थी हमारी कुछ टाइप राइटिंग की लिमिटेशन के, इसकी वजह से क्या हुआ है जो हमारे शब्द प्रक्रिया सॉफ्टवेयर है वो यूज में आए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।